विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के हल्का अध्यक्ष अनिल त्यागी है, जिनको जननायक जनता पार्टी ने गन्नौर से विधानसभा का टिकट दिया, उन पर भरोसा जताया। त्यागी जी, क्या जिम्मेदारी इतनी बड़ी मिली है, किस तरह लेकर चलूंगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वालों का मेरा प्रणाम। दूसरा, दुष्यंत चौटाला जी ने जो हमारे पे विश्वास जताया है, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने इतना बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और विकास कराएंगे। पहले भी दुष्यंत जी ने काफ़ी विकास कराए हैं, सत्ता में रहते हुए जब से गठजोड़ की सरकार थी तो उन्होंने बहुत काम कराए हैं। सारी सड़कों का जाल जो बिछाया गया है, जो दुष्यंत चौटाला के माध्यम से बिछाया गया है, किसानों को जो MSP पे जो 16 फसलें खरीदी गई थी वो दुष्यंत चौटाला जी का निर्णय था। मंडी में किसी किसान को परेशान नहीं होने दिया कभी भी, उन्होंने उनके जाते ही आपने देखा होगा पेमेंटें कैसे ले हुई है, कैसे अस्वस्थ मंडी रही है। उन्होंने बहुत विकास कार्य करे हैं, इस प्रकार 50% हिस्सेदारी पंचायत में महिलाओं को दिया है, 33% आरक्षण जो है उन्होंने राशन डिपो में दिया है, ये सब उन्हीं का तो काम है। क्या मुद्दे लेकर चुनाव के मैदान में जाओगे जनता के लिए? जनता के लिए हम विकास कार्य करेंगे। हम किसान कमेरे वर्ग से हैं, 36 बिरादरी का ध्यान रखते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए हम सभी के काम करेंगे। विकास कार्य जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो गए वो करेंगे। नॉमिनेशन कब करेंगे? नॉमिनेशन हम कल फाइल करेंगे, कल 11 बजे करेंगे नॉमिनेशन। क्या लगता है हरियाणा में जननायक जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, और आप देख रहे हैं ना कि चाबी दुष्यंत की लगेगी जब भी ताला खुलेगा। ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल त्यागी, जिन्होंने कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार जननायक जनता पार्टी के हरियाणा में बनने वाली है, चाबी के साथ ताला खुलेगा और सरकार JJP की बनेगी। सोनीपत से अर्थ प्रकाश के लिए आदेश त्यागी की रिपोर्ट।